हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ अभिषेक कठेरिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आइसोमर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइसोमर्स होता क्या है। तो बेसिकली हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा वो हमारे यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफर करेगी। तो हम इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं द कंपाउंड which have same molecular formula but differ in their properties हमारे हो सकती है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल, दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन नॉन एज आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है इसकी जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ये चेंज होगी। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमेरिज्म कंपाउंड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 OH। हम इसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहें, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे दो तो कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन दो और एक छः हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O। इसको अपन बोलेंगे एथेनॉल, मैथ एथ, इसको बोलेंगे अपन एथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं सेकेंड कंपाउंड जैसे CH3OCH3, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे हमारा ईथर है, इसको अपन लिखेंगे। इसका अगर हम सबसे पहले देखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए एक दो दो कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तो सिक्स हाइड्रोजन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एक है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों कंपाउंड दिखने में अलग हैं, दोनों के जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग है, एक तो एथेनॉल है एक हमारा ईथर है। तो यहाँ पे अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे दोनों में, देखो C2H6O C2H6O, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल हो सकती है फिजिकल हो सकती है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफर है, एक है हमारा यहाँ पर एथेनॉल और दूसरा यहाँ पर होगा इसलिए ये बोलेंगे इसको अपन मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं ये दूसरे के क्या रहेंगे आइसोमर्स। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई। हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म और किन टाइप का होता है। तो ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, तो इसको मैं रख कर देता हूँ अभी। तो बेसिकली जो हमारा आइसोमर है वो तीन टाइप का होता है। पहला टाइप हमारा यहाँ पर होता है स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। सेकेंड हमारा यहाँ पर होगा ये स्टीरियो एंड कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स। थर्ड हमारा यहाँ पर होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो हमारी तीन टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के बारे में। तो इन दो को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो
बेसिकली इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमारा कोई भी कंपाउंड होगा, हमारा कोई भी कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चर और उसके हिसाब में जो भी अटैचमेंट को भी चेंज है वो आपस में चेंज करेंगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी जुड़ा होगा उसमें जो भी सपोज फंक्शनल ग्रुप वो चेंज होगा। तो यहाँ पे इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसका पहला टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो होता है हमारा यहाँ पर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स कहने का मतलब है जैसे आईयूपीएसी के अंदर हमारी जो मेन चेंज होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो चेंज यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल एल्केन के लिए, जैसे CnH2n+2 ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला है, इसके बेस पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे C4+H10 ठीक है। अगर इसको हम आईयूपीएसी में एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। तो यहाँ पे देखेंगे आप चार कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन हैं, तो ये तो हमारा एक कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, CH3, CH3, CH3। तो इस कंपाउंड में आप देखेंगे चार कार्बन हैं और यहाँ पर 3, 3, 3, 9 और 1, 10 10 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों कंपाउंड जो हमारा है पहला और दूसरा, इनका अगर हम नेमिंग करें तो यहाँ पे मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हमारा कहलाएगा ब्यूटेन ठीक है। इसका नेमिंग करेंगे अपन तो 1, 2, 3 टू नंबर का मेथिल है तो हमारे क्या हो जाएगा 2-methyl propane। तो आप देख पाएंगे इसमें जो मेन कार्बन चेन है हमारी, तो पहले में हमारी ब्यूटेन है, दूसरे में प्रोपेन है। तो इस तरह से यहाँ पे ये यहाँ पे जो चेन है हमारी वो चेंज हो रही है, इस तरह से आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर्स ठीक है। अब हम सेकंड पे मूव करते हैं, सेकंड आइसोमर्स कौन सा होता है, सेकंड हमारा यहाँ पर होता है रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली दो तरह की चेन होगी, एक तो ओपन चेन और वो यहाँ पे होगी क्लोज चेन। तो एग्जांपल के लिए मैं अगर लेना चाहूँ यहाँ पर जैसे CH3, CH double bond, CH, CH3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने कार्बन हैं, चार कार्बन हैं, 3, 3, 6, 2, 8। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C4H8। ये हमारा क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हमारा क्या होगा, ये एल्किन नहीं एल्किन एल्किन होगा, ये एल्किन नहीं, ये हमारा क्या होगा एल्किन ठीक है। और इसका नेम क्या करेंगे, इसका नेम होगा हमारा मैथ एथ प्रोप ब्यूट 1, 2, 3, 4। तो इसको बोल देंगे अपन ब्यूट 2-ईन ठीक है। और यही बात करता हूँ मैं दूसरा CH2 ठीक है। इसको अपन ले सकते हैं इस तरह से ठीक है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C4H8। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो कार्बन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा पहला कंपाउंड है वो हमारा ओपन चेन है, दूसरा हमारा रिंग है। इस तरह से आपस में क्या होंगे, देखिए लाएंगे आपस में रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H8 सेम है, बल्कि इनका जो इनका जो स्ट्रक्चर है, एक तो हमारा ओपन चेन बन रहा है, यहाँ पे हमारा क्लोज चेन बन रहा है, इस तरह से हमारा रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर आइसोमर्स का। अब हमारा थर्ड टाइप पढ़ते हैं यहाँ पे हमारा इसका, वो हमारा यहाँ पर होता है पोजिशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा और कोई सब्स्टिट्यूट कोई दूसरी चेन होगी ब्रांच चेन, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे अलग अलग होगी। अगर एग्जांपल लेना चाहूँ मैं यहाँ पर आप तो देखिए
CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 7 और 2, 9, 9 और 3, 12। तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H12। ठीक है, अगर हम सेकंड कंपाउंड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम C6H12। दोनों कंपाउंड का क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग देखेंगे यहाँ पे किधर से होगी, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसमें नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 दोनों तरफ से सेम है, तो हम किधर से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे क्या है, 2 नंबर पे, यहाँ पे 3 नंबर पे। तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हमारे कहलाएंगे आपस में पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरह से डबल बॉन्ड के अलावा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कोई, या फिर कोई ब्रांच चेन हो सकती है, उनकी पोजीशन भी आपस में चेंज हो सकती है, तो ये हमारे पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। लास्ट हमारा एक आता है इसमें, उसको भी पढ़ लेते हैं हम, फोर्थ नंबर का जो हमारा होता है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में। सपोज मैंने शुरू में जो एग्जांपल दिया था, जैसे CH3 CH2OH, इसका फॉर्मूला था C2H6O और CH3O CH3, इसका फॉर्मूला था C2H6O। तो यहाँ पर देख पाएंगे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C2H6O C2H6O, लेकिन यहाँ पे हमारा ये अल्कोहल, यहाँ पे हमारा ये ईथर, यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे हमारा ईथर वाला ग्रुप है, ठीक है ना। इस तरह से आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। कौन सा आइसोमर कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये हमारा कुछ आइसोमर्स का पार्ट था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।